बहुत मुझे था, मुझे बहुत ये था, तमन्ना बहुत था कि मैं इसको आखिरी दम तक पढ़ाऊँ। सुझ भी है लेकिन बच्चा को यह मामूली बात है, कोई माँ बाप बच्चा खोए गई कोई मामूली बात है। मैंने फैक्ट्री भी डाली थी उसके लिए, उसमें मुझे कुछ ज़रूरत नहीं। यहाँ 100 साल भी निकलना फिर भी मरना है। डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैंने उसे कहा कि आप इसी में डॉक्टर बनो, अगर इसी में करेंगे आप PhD। 30-32 लाख उस पर खर्च किए हैं और क्या निकला मुझे? कौन माँ बाप करेगा उस पर सपोर्ट? कोई माँ बाप सपोर्ट नहीं करता है। ऑफ कोर्स सर, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कश्मीर, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि फर्स्टली सबसे मतलब जो माना जाता है कि सबसे बड़ा जो हथियार है वो तालीम है सर। ये जो मुठभेड़ है कश्मीर में, चाहे वो पॉलिटिक्स लीडर्स की वजह से या चाहे और कोई चीज़ है, इसके पीछे हम ये नहीं जानना चाहते, हम इसके पीछे नहीं जाना चाहते कि इसके पीछे क्या है, लेकिन जो असर होता है वो आखिरकार हम ही पे, स्टूडेंट्स पे होता है। में मैंने पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया था, उसके बाद मैं 89, 90, 91 तक मैं एक्टिव रहा। और वो भी मैंने कैसे देखा कि जब मैंने अपने दीन को पढ़ा, अपने कुरान को पढ़ा, प्रॉफिट ऑफ पीस को पढ़ा मैंने, और क्या कहते हैं महात्मा गांधी को पढ़ा, गुरु नानक देव जी को पढ़ा, जब मैंने ये किताबें पढ़ी तब मुझे लगा कि यार मैं तो शायद गलत रास्ते पर हूँ। आपको मौका दे रही है, आप ही सरेंडर करो। उन्होंने मुझे मौका दिया था क्योंकि मैं खुश हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया था, मेरे साथ उसने कुछ छेड़ा बेड़ा नहीं है। आप, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप और जाहिद और दानिश आप भी बाहर आ जाए। उन्होंने बोला हम उसके साथ छेड़ेगा बीड़ेगा नहीं, मेरे साथ उन्होंने अच्छे सलूक किया। मेरी तरफ से कि जो भी सरेंडर के लिए आना चाहता है लास्ट मोमेंट तक, सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेज लोकल लड़कों के लिए कमिटेड है। अगर लास्ट मिनट तक भी हमारे पास होगा, हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए फिर भी सरेंडर लेंगे।